हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सुंदर, सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये, कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 32 साइज़ का डीप नेक पर कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट का। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम सीधा कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से। अब आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग 32 साइज़ में शोल्डर रखेंगे हम 5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.25 इंच, शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम करेंगे इसे कट। कट करने के बाद हमने इसे मेन कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मेन कपड़े पर रखते हुए हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। छोटे साइज में बना रहे हैं तो गले की जो चौड़ाई है वो रखेंगे हम यहाँ पर 2 इंच की, और लंबाई रखेंगे 9.5 इंच। आप लंबाई चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा कर ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखा है 2.75 इंच। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है, और चकोर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो गले का शेप आपको कुछ इस तरीके से देना है। अगर आप इसे और छोटा नेक रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने नेक की कटिंग यहाँ पर कर ली है, और अब हम इस पे लगाएंगे पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलटा कर भी बना सकते हैं, और पेपर पेस्टिंग है तो पेपर पेस्टिंग को आपको डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और गले की मार्किंग एज इट इज़ कर देनी है इस तरीके से। अब हमने बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये गले का पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है। अब इसे हम अस्तर वाला जो कपड़ा है उसी पर अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका सकते हैं, कपड़े के ऊपर ये पेस्ट हो जाता है, या फिर आप सिलाई लगा कर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से आपको इसे रख लेना है और एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। एक तरफ से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, अब हमें दूसरी तरफ से इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे, और जो बीच का पेपर पेस्टिंग रहेगा उसे कटिंग करके निकाल देंगे। पेपर पेस्टिंग को मैंने कट करके निकाल दिया है। अब देखिए हमें नीचे मेन कपड़े को सीधा रखना है, और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। नेक पे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने इसे कट करना है, तो बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे मैंने कट कर दिया है, और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कट लगा कर इसे कंप्लीट कर लें। ये देखिए पूरे ही नेक पर हमने कट लगा देने हैं। अब कट लगाने के बाद एक सिलाई हमने अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने से क्या होता है, कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है और गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है।
तो अब हमने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। नेक पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसके बाद हम बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने बाहर की तरफ से भी इस पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है, तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ से उसे कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमने सेंटर से इसे फोल्ड करना है और 3.5 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। छोटे साइज़ का ब्लाउज है इसलिए यहाँ पर देखिए 3.5 इंच की लेंथ में प्लेट्स लगाएंगे। सेम इसी तरीके से कपड़े को दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे और 3.5 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगा लेंगे। इसके बाद हमने अटैच करना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी को एक तरफ से मैंने फोल्ड कर दिया है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर देंगे। अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाया है, कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को फोल्ड कर लेना है और यहाँ तक हमें डिज़ाइन बनानी है, तो इसके लिए हमने मार्किंग कर लेनी है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मार्किंग कर लिया है। अब एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच की और लंबाई में ये है 1 मीटर से ज़्यादा, 1 से सवा 1 मीटर की आप लेंथ में ले लीजिएगा इसी पट्टी को। पट्टी को आपको सीधा ही कटिंग करना है और इसकी विड्थ है 1.5 इंच। इसे डबल फोल्ड करते हुए हमने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए पट्टी को मैंने सिलाई लगा दिया है, इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और अब इसके छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं, लगभग आपको 1.5 इंच की लंबाई में इन्हें कट कर लेना है। इसे कट करके साइड में रख लेंगे और कपड़ा लेंगे, इन कपड़ों की लंबाई चौड़ाई लगभग 3 इंच की है। जो स्क्वायर पीसेस मैंने लिए हैं इनकी लेंथ और विड्थ है 1.5 इंच। इस तरीके से इन्हें हमने तैयार कर लेने हैं। सारे पैटर्न इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर मैंने इसमें रेड का लिया है, आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे पैटर्न रेडी करने हैं। ये देखिए इन पैटर्न्स को मैंने कट कर लिया है और एक के ऊपर एक इन्हें पास पास में रखते हुए देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ये पैटर्न इस तरीके से हमने एक लेयर जैसी बना लेनी है इनकी। पैटर्न कंप्लीट करने के बाद आप इसे एक बार गले पर लगाकर चेक कर लें कि जितना हमें ज़रूरत है ये बराबर से आ रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर से है। इसके बाद हमने सिलाई के पास तक का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है, इससे हमारा पाइपिंग भी अच्छा बनेगा। तो फैब्रिक को आप एक्स्ट्रा जो रहेगा उसे कट कर दीजिएगा। 1.5 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी लेनी है और ये पट्टी क्रॉस में लेनी है, उरेब पट्टी है ये। अब हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देना है। फिर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरीके से, ताकि पाइपिंग बराबर से बने। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो पाइपिंग को फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। अब हमें इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करते जाएंगे और जितना मोटा पतला आपको चाहिए पाइपिंग उतना रखते हुए सिलाई लगाकर बाकी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पाइपिंग लगाकर इस पैटर्न को हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद जो पट्टियाँ तैयार की हुई हैं, पट्टियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर अटैच कर देना है। तो पूरे पैटर्न को हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है।
कि देखिए इस तरीके से पूरे ही पैटर्न पे हमने इन पट्टियों को अटैच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जो सिलाई हमने पाइपिंग को फोल्ड करते समय लगाया था उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई चलानी है। ये देखिए पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, रेडीमेड वाली डोरी लेनी है। आप कपड़े की बनाकर भी ले सकते हैं और डोरी को सेंटर से हमें लूप के अंदर अटैच कर देना है। सेम इसी तरीके से सेंटर से दूसरी तरफ से भी इन्हें अटैच करेंगे। ये देखिए डोरी को इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। लेंथ में आपको जितना रखना है उसे रखते हुए बाकी डोरी को कट कर लेंगे। तो ये चौकोर पैटर्न लिए हैं मैंने, इन्हें हमने इस तरीके से नीचे की तरफ लटकन बनाते हुए अटैच कर देना है। दो पैटर्न को एक के ऊपर एक रखना है और इस तरीके से अटैच कर देना है। तो सुंदर लटकन आपकी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए तो ये पैटर्न हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज पर अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हमने लेस लगानी है। ये देखिए अच्छे से बराबर करते हुए, आप चाहे तो इसे इस तरीके से करते हुए यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल नॉट लगा रही हूँ और अगर आप फिक्स करना चाहें तो इस तरीके से फिक्स भी कर सकते हैं। अब सेंटर में एक मार्किंग करेंगे इसे अटैच करने से पहले और ऊपर की तरफ लेस अटैच करेंगे। तो इस तरफ और दूसरी तरफ दो दो लेयर मैं यहाँ पर लेस की लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक ही लेयर लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लेस को अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने लेस को अटैच कर दिया है और इस पैटर्न को अच्छे से बराबर से यहाँ पर हमने रख लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से इसे अटैच कर देना है। बिल्कुल बराबर से करते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। अच्छे से इसे पक्का कर देंगे, डोरी को पक्का कर देना है आपको। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बाहर की तरफ होगा तो उसे कटिंग करके निकाल दीजिएगा। और इसी के साथ मेरा नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।